Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any update. नेपच्यून हमारे सौरमंडल का आठवां और आखिरी सबसे दूर स्थित ग्रह, आकार में चौथा और भार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का सबसे डेंस प्लैनेट भी है। इसे नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता और इसीलिए हमारे पूर्वज इस ग्रह से अनजान थे। अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से भी इसकी स्टडी करना बहुत मुश्किल काम है और इसीलिए नेपच्यून की खोज बड़े ही दिलचस्प तरीके से हुई। नेपच्यून पहला ऐसा ग्रह है जिसकी खोज मैथमेटिकल प्रिडिक्शन से हुई। इसकी खोज के क्रेडिट को लेकर भी पूरे विश्व में बहस चली। हमारे सौरमंडल के इस आखिरी ग्रह के बारे में और भी बातें ऐसी हैं जो बड़ी ही रोचक हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी और मैं हूं आपका दोस्त शशि। आज के एपिसोड में हम नेपच्यून ग्रह के बारे में जानेंगे। जब महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने अपनी टेलीस्कोप से स्पेस की ओर देखना शुरू किया तो उन्होंने ग्रहों और तारों के ड्राइंग्स बनाई जिन पर पॉइंट बनाकर ग्रहों और तारों को दर्शाया गया था। उन ड्राइंग्स में एक पॉइंट ठीक उसी जगह पर था जहां आज नेपच्यून है, पर गैलीलियो ने इस पॉइंट को एक तारा समझकर बड़ी गलती की और इसीलिए गैलीलियो गैलीली को नेपच्यून की डिस्कवरी का क्रेडिट नहीं दिया गया। सन 1821 में अलेक्सिस बोवर्ड ने यूरेनस के ऑर्बिट के लिए एक थ्योरेटिकल टेबल पब्लिश किया, पर जब ऑब्जर्वेशन की गई तो ऑर्बिट की कैलकुलेशंस में काफी अंतर आ रहा था। तब अलेक्सिस बोवर्ड ने कहा कि कोई अनजान बड़ी वस्तु है जो ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन के द्वारा यूरेनस के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रही है। सन 1843 में जॉन कॉच एडम्स भी यूरेनस के ऑर्बिट पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने भी वहां नए ग्रह होने की कई संभावनाएं जताईं। सन 1845 में अरविन ली वेरियर ने भी अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक यूरेनस के बाद एक और नया ग्रह होने का दावा किया। नए ग्रह के इतने ज्यादा प्रेडिक्शंस होने के कारण एस्ट्रोनॉमर्स ने इस नए ग्रह को खोजना शुरू कर दिया। अंत 23 सितंबर सन 1846 को हमने एक नया ग्रह खोज लिया। इस ग्रह की खोज का क्रेडिट एडम्स को दिया जाए या अरविन ली वेरियर को, इस विषय पर विश्व भर में बहस हुई। नया ग्रह अरविन ली वेरियर के प्रिडिक्ट किए गए पॉइंट के एक डिग्री के दायरे में मिला, जबकि एडम्स के प्रिडिक्ट किए गए पॉइंट के 12 डिग्री के दायरे में। एक्यूरेसी के मामले में अरविन ली वेरियर ही आगे थे, पर बहस के कारण दोनों को इस खोज का क्रेडिट दिया गया, पर मुख्य रूप से अरविन ली वेरियर को ही नेपच्यून का खोजकर्ता माना जाता है। अरविन ली वेरियर ने ही इस नए ग्रह को नाम दिया और इस तरह हमें मिला आठवां ग्रह नेपच्यून। नेपच्यून को रोमन मैथोलॉजी के अनुसार समुद्र का देवता माना जाता है। नेपच्यून ग्रह का इंटरनल स्ट्रक्चर यूरेनस के समान ही है। इसकी इंटरनल कोर आयरन, निकल और सिलिकेट से बनी हुई है और यह पृथ्वी से लगभग 1.2 गुना भारी है। इसकी कोर का प्रेशर 7 मेगा बार है जो कि पृथ्वी की कोर से दोगुना है और टेम्परेचर 5400 केल्विन है। नेपच्यून की मेंटल लेयर पृथ्वी से लगभग 15 गुना भारी है और इसमें भी यूरेनस की तरह वाटर, अमोनिया और मीथेन अधिक मात्रा में है। ये फ्लूइड हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है जिसे हम वाटर अमोनिया ओशन भी कहते हैं। नेपच्यून के बाहरी एटमॉस्फेयर में 80% हाइड्रोजन और 19% हीलियम पाए जाते हैं। मीथेन और अन्य एलिमेंट्स के भी ट्रेसेस इसके एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। आइस जाइंट होने के कारण नेपच्यून का एवरेज टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस रहता है। सन 2007 में नेपच्यून के साउथ पोल को इस ग्रह की सबसे गर्म जगह माना गया जिसका टेम्परेचर लगभग -200 डिग्री सेल्सियस था। यह पोलर रीजन गर्म इसलिए था क्योंकि पिछले 40 साल से नेपच्यून का साउथ पोल सूर्य की तरफ था।
नेपच्यून सूर्य से 4.5 बिलियन किलोमीटर यानी 30.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर स्थित है और यह सूर्य का एक चक्कर 164.79 अर्थ ईयर्स में पूरा करता है। नेपच्यून अपनी तेज हवाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर सबसे तेज चलने वाली हवाओं की गति 600 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा है, जो कि सुपरसोनिक फ्लो के लगभग बराबर है। नेपच्यून पर चलने वाली ज्यादातर हवाओं की डायरेक्शन इसकी रोटेशनल डायरेक्शन के पूरी तरह से ओपोजिट है। सन 1989 में वॉयेजर 2 ने अपने फ्लाईबाई मिशन के दौरान नेपच्यून पर एक बड़ा तूफान खोजा, जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया गया, क्योंकि यह देखने में गहरे रंग का था। ग्रेट डार्क स्पॉट की तुलना जुपिटर के द ग्रेट रेड स्पॉट से की गई, पर यह तूफान जल्दी ही गायब हो गया, जिसकी पुष्टि 2 नवंबर सन 1994 में द हबल स्पेस टेलीस्कोप ने की। नेपच्यून पर ग्रेट डार्क स्पॉट के अलावा व्हाइट स्पॉट भी पाए जाते हैं, जो इसके एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से में आने वाले तूफानों में से एक हैं। इन तूफानों को स्कूटर भी कहा जाता है। ये तूफान नेपच्यून पर इतनी जल्दी गायब क्यों हो जाते हैं और इनका मैकेनिज्म क्या है, यह अभी भी हमारे लिए एक सवाल ही है। दूसरे जाइंट प्लैनेट्स की तरह नेपच्यून भी इंटरनल हीट जनरेट करता है, जो कि सूर्य से मिलने वाली एनर्जी से लगभग 2.61 गुना ज्यादा एनर्जी स्पेस में रेडिएट कर देता है। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह अब तक खोजे जा चुके हैं। नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रीटॉन, जो कि नेपच्यून की खोज के 17 दिन बाद ही खोज लिया गया था। ट्रीटॉन एक अलग ही बेहद जमी हुई एक ठंडी दुनिया है। इसे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगह माना गया है। यहाँ का तापमान -235 डिग्री सेल्सियस है। यह भी माना जाता है कि ट्रीटॉन नेपच्यून का नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। संभव है कि ये कोई ड्वार्फ प्लैनेट रहा होगा, जिसे नेपच्यून ने अपनी ग्रेविटी से खींच लिया होगा। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि नेपच्यून के बाकी उपग्रह इरेगुलर शेप के हैं, पर ट्रीटॉन की शेप किसी प्लैनेट की तरह है। नेपच्यून के ऑर्बिट में 99.5% भार ट्रीटॉन का ही है। इसके अलावा 13 अन्य उपग्रह और अभी तक खोजी गई 3 प्लैनेटरी रिंग्स भी इसके एटमॉस्फेयर में शामिल हैं। नेपच्यून की 3 रिंग्स एडम्स, ली वेरियर और गेल हैं, पर सभी रिंग्स दूसरे गैस जायंट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा हल्की हैं। कुछ रिंग्स तो इतनी कम चमकीली हैं कि एक समय के लिए तो यह मान लिया गया था कि नेपच्यून की रिंग्स इनकम्प्लीट यानी अधूरी हैं, पर वॉयेजर 2 ने पुष्टि की कि नेपच्यून की रिंग्स कम्प्लीट हैं, पर ज्यादा चमकीली नहीं है, जिस कारण ये आसानी से दिखाई नहीं देती। वॉयेजर 2 नेपच्यून की स्टडी के लिए भेजा गया इकलौता स्पेसक्राफ्ट है। अगस्त 1989 में वॉयेजर 2 नेपच्यून के सबसे नजदीक होकर गुजरा और इसने अनेकों फोटोग्राफ्स हमें भेजे। वॉयेजर 2 से मिली जानकारी से हमें इस पर आने वाले तूफान, इसके एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन आदि के बारे में पता चला। वॉयेजर 2 से ही पता चला कि नेपच्यून के पास एक एक्टिव वेदर सिस्टम है। इसने ही नेपच्यून के 6 नए उपग्रह खोजे और बताया कि नेपच्यून के पास एक से ज्यादा रिंग्स हैं। इसने हमें नेपच्यून के बारे में सटीक और बड़ी जानकारियां भेजी। इसके बाद यह नेपच्यून के सबसे बड़े उपग्रह ट्रीटॉन के बिल्कुल पास होकर गुजरा। वॉयेजर 2 ने पहली बार नेपच्यून के भार की एक्यूरेट कैलकुलेशन की, जो कि हमारी कैलकुलेशन से 0.5% कम थी। इससे प्लैनेट एक्स की कल्पना गलत साबित हो गई, पर अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो नेपच्यून को रहस्यमय बनाते हैं। जैसे कि वॉयेजर 2 से ही हमें पता चला कि नेपच्यून का मैग्नेटिक फील्ड भी यूरेनस की तरह झुका हुआ है और ऑफ सेंटर है। ऐसा क्यों है, यह आज भी एक पहेली है। नेपच्यून सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है, पर फिर भी नेपच्यून पर हवाएं 600 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती हैं, और जबकि इसका इंटरनल हीट सोर्स भी काफी कमजोर है, तो फिर ऐसा क्या होता है कि हवाएं सुपरसोनिक फ्लो के करीब पहुंच जाती हैं? नेपच्यून का ग्रेट डार्क स्पॉट अचानक गायब क्यों और कैसे हो गया? दूसरे ग्रहों के मुकाबले यहाँ तूफान ज्यादा समय तक क्यों नहीं रहते? ऐसे ही अनेकों प्रश्न हैं जो नेपच्यून की ही तरह हमसे भी काफी दूर हैं, पर एक ना एक दिन हम उन तक जरूर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए
ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।